वेलकम टू लेक्चर 6 न्यूमेरिकल ऑन डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम्स एंड इंट्रोडक्शन टू लेसिंग एंड बैटनिंग। सो इस सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि हमने पिछले क्लास में भी किया था कि डिजाइन ऑफ कॉलम्स को कैसे हम लोग क्या क्या स्टेप थे, तो हमने न्यूमेरिकल करे हैं, उस पर दो न्यूमेरिकल हमने किया ऑलरेडी। तो फर्दर हम लोग और देखेंगे, और एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा भी करेंगे जिसमें बिल्टअप सेक्शन की बात करेंगे, बिल्टअप सेक्शन के केस में हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे उसका लोड निकालेंगे, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, वो देखेंगे। और उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे लेसिंग एंड बैटनिंग के बारे में, कि लेसिंग एंड बैटनिंग क्या है, जो कि कॉम्प्रेशन मेंबर में कॉलम्स में जनरली इसको यूज़ किया जाता है, और ख़ासकर बिल्टअप सेक्शन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ कॉलम्स की जब बात करें उसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा तीसरा देखें यहाँ पे आज के लिए, ये है क्वेश्चन जो कह रहा है डिजाइन अ रोल्ड स्टील बीम, रोल्ड स्टील बीम एज कॉलम। रोल्ड स्टील बीम कह देने का मतलब हुआ कि आई सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में लिख ही दिया है कि रोल्ड स्टील बीम, इसका मतलब हो गया आई सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो डिजाइन अ रोल्ड स्टील बीम एज कॉलम, एज कॉलम सेक्शन मतलब एक कॉलम की तरह उसको डिजाइन कीजिए, एक आई सेक्शन को कॉलम की तरह डिजाइन करना। टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 115 किलो न्यूटन, ठीक है, इसको कैरी कितना करना है, 115 किलो न्यूटन का लोड उसको कैरी करना है। द कॉलम इज 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, कॉलम जो है 5 मीटर लेंथ का है, एंड एडिक्वेटली रिस्ट्रेंड इन पोजिशन एंड डायरेक्शन एट बोथ एंड्स, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन डेटा हमारे पास क्या है, तो गिवन डेटा हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है, तो लोड हमारे पास है 115 किलो न्यूटन, इसका मतलब हो गया 115 × 10³ न्यूटन हमारे पास लोड तो मिल गया। लेंथ दिया हुआ है, डेट इज एल दिया हुआ है, ये हमको 5 मीटर गिवन है, ठीक है, इसको एम एम में बदलिएगा तो 10³ से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद एक और चीज दे रखा है, जो एंड कंडीशंस होते हैं कॉलम के, वो दे रखा है। तो ये किस तरह का दिया है कि रिस्ट्रेंड इन पोजिशन एंड डायरेक्शन, पोजिशन में भी रिस्ट्रेंड है, डायरेक्शन में भी, मतलब एक्स वाई में भी नहीं मूव कर सकता है, और रोटेशन भी नहीं हो सकता है, थीटा भी नहीं आ सकता है ना, जो मैंने आपको बताया शुरू में। तो ये चीज दोनों एंड पे है, मतलब दोनों एंड इसका क्या होगा, बोलिए, दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड होगा सर, और ये भी फिक्स, और ये बीच का जो लेंथ आपको दिख रहा है ये एल है, और ये जो कॉलम सेक्शन है, कॉलम सेक्शन जो होगा वो आपको कहीं ना कहीं रोल्ड सेक्शन लेना है और आई सेक्शन लेना है, जैसा कि क्वेश्चन में दे ही दिया है कि रोल्ड स्टील बीम लेना है, आई सेक्शन लेना है। चलिए इतना हम लोग इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन से मिल गया। अब हम लोग डिजाइन में बढ़ेंगे, स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा है रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना, रिक्वायर्ड एजी, सो लोड अपॉन एज्यूम्ड सिग्मा एसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिग्मा एसी एज्यूम्ड करना पड़ेगा, तो सिग्मा एसी कितना ले लेंगे हम लोग, सिग्मा एसी एज्यूम कर लीजिए 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि आई सेक्शन है, इसको एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग, ठीक। चलिए निकालिए, 115 ऊपर हो गया, ठीक, अपॉन 80 कितना आएगा, 1437.5 mm² 1437.5 mm² ये आ गया होगा आपको रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शन एरिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रोल्ड स्टील बीम, जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है इसी हिसाब से हम लोग मान लेते हैं स्टील बीम ही लेना हम लोग को। तो जरा बताइए कौन सा लिया जाए, किस तरह का लिया जाए, ISLV 150 ले ले सर, ISLV लेके देखिए कितना है उसका एरिया, 1808 mm² 1808 है, ले सकते हैं,
और भी कोई किसी का सजेशन हो तो और भी बताइए आप लोग। इससे एरिया ज़्यादा लेना है, प्लस इसके ये भी देखना होगा कि हमको आगे जाके सेफ हो, ये भी ध्यान रखते हुए ऐसा सेक्शन चूज करना है। तो इनिशियली अगर मान लिया हम लोग एट प्राइमरी लेवल पे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम लोग को पता नहीं है कि फेल करेगा ये करेगा, कैसे पता चलेगा, ये तो करने के बाद पता चलेगा। इसलिए बस इसी के बेसिस पे आपको लेना ही है। तो 1800 चलिए सुटेबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो अनसेफ होगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ये कर सकते हैं। चलिए और बाकी लोग बताइए क्या लिया जाए सेक्शन। सर ISW भी ले सकते हैं 175। ISW भी 175 कितना एरिया है? 28 से 11 mm2। एकदम डबल है लगभग। सर पिछला वाला का मतलब बहुत मिनिमम जो है ना बहुत कम है सर, तो मतलब फेल तो होगा ही, फेल हो जाएगा, फेल होने का चांस है। यस सर, ठीक है। तो आप जो बोली देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सेक्शन चूज कर जो फेल नहीं करेगा। तो जैसे आप मान लीजिए अगर फेल करेगा तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है। इतना तो आप सीख ही गए हैं कि फेल किया, अब प्रोसीजर आपको पता है, फेल किया आपको रिपीट आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए एग्जाम वगैरह में जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हम एज रखें, थोड़ा सा बढ़ा के ले लें, जो ठीक है, जो लगे आपको कि थोड़ा इकोनॉमी भी बिगड़ेगा लेकिन आपको उस समय टाइम नहीं रहता है तो आप ले सकते हैं। आपका हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि स्टेप सही किया हुआ है, डिजाइन सही किया हुआ। बाकी जब फील्ड में जाएंगे आप लोग एज इंजीनियर तब वहाँ पे आपको इकोनॉमी देखना है, इकोनॉमी हमारा चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा स्टील यूज़ कर लिया और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग गया तो वो आपका मतलब सुटेबल नहीं है, ठीक है, वो इकोनॉमी आपने अचीव नहीं कर पाए। चलिए तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्या बोले थे अभी सेक्शन, बोलिए किस तरह का सेक्शन ले लें। ISWB 175 एट द रेट, इसका बताइए कितना इसका वेट है। 216.8 न्यूटन पर मीटर, 8 न्यूटन पर मीटर इस तरह का हमने लिया है। चलिए इसका प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, क्या प्रॉपर्टीज हैं इस सेक्शन का वो भी लिख लीजिए। तो एरिया बताइए इसका कितना है। 2811 सेंटीमीटर mm2। अच्छा ये सेक्शन हम लोग पिछली बार भी लिए हैं लगता है। हाँ सर। ओके इसका RXX देखिए कितना है। इसका RXX है सर 7.33 सेंटीमीटर, मतलब 73.3 mm। जी सर। और देखते हैं कि क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बताइए, आप लोग लिख लिए ना ये सब। इफेक्टिव लेंथ सर, और ये लिख लिए हैं आप लोग जो मिटा रहे हैं। यस सर, ठीक है। तो अब ही हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप थर्ड। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा बोलिए। 0.65 × 12 पुट करिए। कितना हो जाएगा? 3250 mm। 3250 mm, ठीक है, ये आ गया। स्टेप फोर बताइए क्या करते हैं। मुझे लगता है कि एक स्टेप आप आगे बढ़ गए, यहाँ पे हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते है ना, ये स्टेप फोर हो जाता, आर निकाल लेते। तो मिनिमम ऑफ RXX एंड RYY, ठीक है, तो इन दोनों का मिनिमम देख लीजिए तो 25.9 है ना, सही है। स्टेप फाइव में हम लोग क्या करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे। तो दोनों चीज़ तो हमारा निकल ही गया है, पुट कर दीजिए 25.9, कितना आया सर। 125.48। 125.48, ठीक है। चेक करने की बात आएगी तो ये तो अब 180 से बहुत ही कम है,
ठीक है, ये 125.48 जो है 180 से कम है, इसलिए सेफ है। ठीक है, और भी सेक्शन हो सकता था मुझे लगता है, आप लोग और करके ट्राई कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या होता है बताइए, स्टेप सिक्स में सिग्मा एस डिफाइंड करेंगे, सेवन में सिग्मा एस निकालेंगे, है ना? सिग्मा एस अब निकालिए आप लोग, तो किसके बेसिस पे निकालेंगे, तो लेमडा हमारा पता है, और एक चीज आप मान लीजिए कि एफ वाई जो है वो 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, जनरली आपको ये रहता है स्टील, और क्वेश्चन में अगर देगा तो अलग देगा, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि 230 पे करिए, 240 पे करिए, तो अलग चीज़ है, अदरवाइज हम लोग 250 पे काम करेंगे। ओके, तो जरा सिग्मा एस निकालिए, किसके बीच में लाई करेगा ये 120 पे कितना आ रहा है 64 यस सर 64 अच्छा 64 और यस 57 तो इन दोनों के बीच में आएगा, निकालिए कितना आता है सर 60.164 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो सिग्मा एसी हो गया, इसको अगर लिखेंगे इस तरह से आपने लिखा होगा मुझे लगता है, तो 130 120, उसके बाद 48 माइनस 120, यही लिखा है ना? यस सर। तो सिग्मा ऐसे कितना आया 60.164 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये हमारा निकल के आ गया सिग्मा ऐसे। सिग्मा ऐसे जैसे निकल के आ गया, अब हम लोग स्टेप आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, और निकाल लेंगे कि सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है। चलिए निकालिए, स्टेप नंबर कितना हो जाएगा 9। यस सर, यही स्टेप होगा, तो 9 नहीं होगा, 8 होगा शायद, या जो भी हो 8 होगा ना, 8 स्टेप होगा, ये 9 आगे होगा। चलिए 8 स्टेप पे अगर जाएंगे तो हम लोग निकालेंगे जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा ए सी, एरिया कितना है 28,011, सिग्मा ए सी 60.164 कितना आया बोलिए, तो 169.12 9.12 किलोन्यूटन। ठीक है, अब स्टेप 9 में चलिए, लास्ट स्टेप है हमारा ये अभी। तो जो हमारा लोड आया, सॉरी स्ट्रेंथ आया, इतना आया है, और जो हमारा लोड है वो 115 किलोन्यूटन है, तो ये हमारे लोड से जो है, जो लोड हमारा गिवन लोड है उससे ज़्यादा है, ये 115 किलोन्यूटन से ज़्यादा है, इसीलिए ये सेफ है। एंड सेफ है इसका मतलब ये हुआ कि हम इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं, एंड सेफ। ठीक है, इससे कोई छोटा एरिया वाला सेक्शन भी लेके देख लेंगे, ठीक है, तो अगर आपको और एक्यूरेसी चाहिए और इकोनॉमी चाहिए तो मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग बिल्टअप सेक्शन की बात करते हैं, हमेशा तो कॉलम हम लोग रोल सेक्शन से काम नहीं चलेगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिल्टअप सेक्शन का डिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन आपको बिल्टअप सेक्शन का डिज़ाइन नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, बट आपको ये जरूर पूछा जा सकता है कि हमारा बिल्टअप सेक्शन अगर दिया हुआ है तो उसमें सेफ कॉम्प्रेसिव लोड कितना वो कैरी कर सकता है। ठीक है, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ें, फॉर्मूला वही लगेगा, और बस हम लोगों को करना क्या होगा, बस यहाँ थोड़ा मेहनत करना होगा आर एक्स एक्स निकालने में, आर वाई वाई निकालने में मेहनत करना होगा, और आपको ये सब फॉर्मूला पता होगा कि आर एक्स एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे,
आर वाई वाई निकालने के लिए क्या यूज करेंगे जरा बताइए मुझे, इसको याद है? यही करेंगे रूट ओवर आई वाई वाई अपॉन ए, यही करेंगे। सो ये चीज तो ये इसको निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, आपको यहाँ निकालना पड़ेगा आई एक्स एक्स कितना होगा, फिर निकालना पड़ेगा कि आई वाई वाई कितना होगा, उसके बाद एरिया भी निकालना होगा। एरिया क्या होगा, जैसे एक मेंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो चारों का एरिया जोड़िएगा, सबका समेशन करने के बाद आपको पूरे का एरिया लिखना पड़ेगा, है ना। ये भी कंपाउंड पूरे पूरे बिल्टअप सेक्शन का ये आई एक्सेस निकालना पड़ेगा, पूरे का निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आप पता करिएगा। तो यही यहाँ पे मेहनत है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बाकी चीज़ें लगभग सेम रहेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और इसमें हम लोग को बस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात है वही डिफरेंस है। तो आपको मुझे लगता है क्लियर है, पहले से भी हम लोग निकाले हैं इस तरह के बिल्टअप सेक्शन का एरिया, पिछले सेमेस्टर में मॉस में हम लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अ बिल्टअप सेक्शन कॉलम ऑफ 6 मीटर लेंथ, ठीक है, एल दे दिया है, 6 मीटर लेंथ हमको दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिया हुआ है। द कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड, ठीक है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन इन बोथ एंड, मतलब वो पोजिशन में हेल्ड है, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक, एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, एक एंड पे जो है उसका रोटेशन भी रिस्ट्रेंड है, पर दूसरा एंड जो है वो हिंज होगा, समझिए, क्योंकि वहां पे रोटेशन हो सकता है। सो इट वुड बी लाइक, किस तरह का होगा ये, एक एंड क्या होगा उसका फिक्स होगा, और एक एंड क्या होगा, एक हो सकता है हिंज तरह का सपोर्ट होगा, हिंज होगा। क्लियर है क्या ये, बोलिए। इस केस yes, इस केस में एल बराबर कितना yes. लिखेंगे, एज पर द कोडल प्रोविजन हमारा क्या कहता है बताइए, 0.8 इंटू, ठीक है, क्लियर है सबको ये चीजें, ये हिंज सपोर्ट, ये फिक्स सपोर्ट, और ये हमारा के यहाँ पर हो जाएगा 0.8 इंटू एल, एल मतलब ये वाला डिस्टेंस, एल हमको तो दिया हुआ है ना, एल हमें दिया हुआ है। ये जो होता है आपको मैंने बताया होगा इस तरह का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर जो है बीच में, यही हमारा एल, और एल ये होगा इसके कम है। चलिए तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ तो निकल जाएगा। उसके बाद और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो कॉलम इज इफेक्टिवली, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं तो डिटरमाइन द सेफ कॉम्प्रेसिव लोड द मेंबर कैन कैरी, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमाइन द सेफ कॉम्प्रेसिव लोड द मेंबर कैन कैरी। ये जो बिल्टअप सेक्शन आपने दिख रहा है यहाँ पे, ये बिल्टअप सेक्शन कितने लोड कैरी कर पाएगा सेफली, वो निकालना है। तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी को हम पी डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इनटू सिग्मा ए सी, राइट, अप्रोच हमारा सेम है। अब सिग्मा ए सी की बात हो गई, सिग्मा ए सी हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे ये बताइए। तो पहले रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालेंगे, फिर स्लेंडरनेस रेशियो एंड देन सिग्मा ए सी। ये हम लोग कब ला पाएंगे, जब हमारे पास लैम्डा पता होगा और एफ वाई पता होगा, तो ये तो हमको पता हो जाएगा। चलिए अज्यूम कर लिया एफ वाई 250 एमपी, लेकिन लैम्डा निकालने के लिए हमको चाहिए एल और चाहिए आर, एल भी पता है लेकिन हमें R नहीं पता है। अब R निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा RXX, RYY, ठीक है, और RXX निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा IXX, IYY, ठीक है, एंड A निकालना पड़ेगा, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो सब कुछ कुल मिला के बात यह है कि हमको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, राइट, IXX, IYY, A निकालिए। और इससे भी पहले अगर हम कहें आपको, हमें ये निकालना पड़ेगा कि
इसका प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा कोड से, स्टील टेबल से। इसका तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, राइट, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, इसका आई एक्स एक्स वगैरह निकल जाएगा इंडिविजुअली। अगर बोले तो स्प्लिट का इंडिविजुअली बोले तो आप निकाल लेंगे बी डी क्यू अपॉन 12 निकल जाएगा, है ना। चलिए तो ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, इसका प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग अभी लिखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ है, बताइए। यस सर। चलिए आगे, ओके, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए तो हमारे पास जो सेक्शन है, जो चैनल सेक्शन है, उसका प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ISMC, है ना, 300@315.2 m न्यूटन पर एम, ना न्यूटन पर मीटर ना। यस सर। चलिए अब बताइए इसका प्रॉपर्टी, जरा कोड से देख लीजिए, स्टील टेबल से देख के बताइए। सर एरिया है सर 45.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4564 mm लिख देते हैं, ठीक, इस तरह का क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। सर इसका लोड दिया हुआ है सर 351.2 न्यूटन पर मीटर। लोड कहाँ दिया हुआ? वो सर एट दी रेट मैं सर, ठीक है, यहाँ तो नहीं लगा दिया हुआ, आप दूसरा देख लें, ISMC 300 देख लें, सही दिया, सही है ना, ठीक है। उसके बाद इसका सब कुछ निकालना पड़ेगा पूरा, AH निकालिए, ये विड्थ निकालिए कितना होता है, ठीक है, ये TF निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ सबका जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, ये सब देख लीजिए कितना कितना है, TW कितना है, सब बताइए। तो H कितना है? H है सर 300 mm। हाँ तो 300 हो ही जाएगा, ओके। B बताइए सर 90 mm। 90 mm, राइट। TF है सर 13.6 mm। TF हो गया 13.6, यस सर। और TW है सर 7.6 mm। TW हो गया 7.6 mm। सर CYY हो गया सर 2.36 सेंटीमीटर। CYY जो है आपका 23.6 mm। यस सर, यस सर, ठीक है। और बताइए सर IXX हो जाएगा सर 6362.6 सेंटीमीटर का पावर 4। 6362.6 सेंटीमीटर पावर 4। IYY लिखिए। IYY सर 310.8 सेंटीमीटर का पावर 4। बताइए इतना सारा वैल्यू हम लोगों को प्रॉपर्टी यहाँ लिखना पड़ेगा, यही थोड़ा बिल्टअप सेक्शन में यही मेन है, ये सारा वैल्यू आपको लेना है क्योंकि सबका हम लोग यूज करेंगे। चलिए हालांकि फिगर में देख के, अब आप देख फिगर में जब देखेंगे तो कुछ फिगर में इस तरह का है, इस तरह का जब बना हुआ है कि सिमेट्रिसिटी वहां दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है सिमेट्रिसिटी, कुछ सिमेट्रिसिटी आपको दिख रहा होगा, इसलिए ज़्यादा मुश्किलात यहां नहीं होगी, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग निकालते हैं टोटल एरिया। तो हमें बताइए कि एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ एंटायर कॉलम, एंटायर कॉलम सेक्शन, पूरे कॉलम सेक्शन का एरिया जरा हमें बताइए निकाल के, इसको AG बोल देते हैं। सो दो तो चैनल यूज हुआ है, देख रहे हैं ना, दो चैनल यहाँ यूज किया गया है, इस तरह का दो चैनल, और दो प्लेट्स यूज किया गया है। प्लेट्स का साइज क्या है बताइए जरा, 300 by 8 mm, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या करते हैं, 2 into एरिया ऑफ चैनल प्लस 2 into एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, जरा बताइए, 2 into 4564 प्लस 2 into इसका एरिया कितना हो जाएगा, 300 into 8 होगा,
निकालिए सर, एरिया आएगा 49928 mm का टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आपका आ गया 13928। यस, एक काम तो हो गया, एरिया निकल गया। ठीक है, बीच में कॉलम उसको नहीं जोड़ेंगे। बीच में क्या है, बीच में खाली है सर, खाली है, बीच में खाली है। देखिए दो चैनल लगा हुआ है इस तरह से, है ना, बीच में गैप है। इस तरह का कॉलम आपको दिखा हुआ, कहीं ना कहीं दिखा हुआ, ऐसे करके दो प्लेट लगा हुआ है बस, समझ गए। ये जो स्पेस है ये खाली है, राइट, क्लियर है शुभम। चलिए अब हम लोग चलते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ओर बढ़ते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे अबाउट एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग निकालेंगे। चलिए तो अभी हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर सेक्शन, एंटायर सेक्शन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। चलिए ये काम अब करते हैं। सो आई एक्स एक्स निकालने के लिए, हालांकि ये सिमेट्रिसिटी है हमारा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैनल का लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखेंगे, प्लेट का, और दोनों को ऐड करेंगे। क्या बोलिए, हो सकता है ऐसा, बस ये होगा कि प्लेट जो है उसका देखना पड़ेगा कि कितना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा प्लेट के केस में। बाकी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें इसका, ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो यही एक्स एक्सिस है और सिमेट्रिसिटी है, मतलब समझिए कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके उससे ही ये पास कर रहा है, तो दो दो लगा होगा तो इसको दो से खाली मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज, ये बात समझ में आई आप लोगों को, बोलिए। अगर दो है दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हालांकि प्लेट भी है ऊपर में, इसके अलावा यहाँ एक और आई सेक्शन है, ये एंगल चैनल सेक्शन है, इसके अलावा प्लेट भी है, तो हम लोग को प्लेट का भी देखना पड़ेगा। तो प्लेट का अगर एक्स एक्स देखिएगा, अपना इसका एक्सिस देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ लाई करेगा और ये जो एक्सिस है और इसके बीच का जो दूरी है ये आपको निकाल लेना होगा। ये कितना होगा जरा मुझे बताइए, तो कोई निकाल के बताइए आप लोग, जरा फिगर फिगर आप लोग बनाए ना फिगर, 154 सर। ओके, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ये 154 mm में दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 8 mm का ये है तो 8 का आधा 4 हो गया, ठीक है, और ये 300 का है तो 150 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 150 और ये हो जाएगा आपको 4 mm, तो 150 प्लस 4 154 mm का इसके बीच में गैप है। ये प्लेट का एक्सिस है और ये हमारा टोटल जो एंटायर सेक्शन का एक्सिस होगा ये यहाँ लाई करेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी, क्योंकि नीचे भी प्लेट उसी तरह का लगा हुआ है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, 2 into IXX ऑफ चैनल, ठीक है, IXX ऑफ चैनल सेक्शन, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट टेबल से मिल जाएगा। प्लस क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो एंटायर सेक्शन का एक्सिस है वो कॉन्साइड कर रहा है जो चैनल सेक्शन के एक्सिस से, दैट्स वाई हम लोग इसमें प्लस ए वाई स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे हम वो चीज़ अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे। एक चीज़ आप देखें, आगे चले, टू से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दो चैनल की बात करें, फिर आएंगे प्लस प्लेट के बारे में, तो प्लस करेंगे 2 into प्लेट्स का अगर लिखिएगा तो प्लेट्स का कैसे लिखेंगे हम लोग बताइए, बी क्या हो जाएगा इस केस में, दिस इज बी, तो बी इस केस में हो जाएगा 300 mm प्लेट के केस में, तो ये लिखेंगे 300, यार पूरा इसको लिख ही देते हैं फॉर्मूले को, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, चलिए छोड़िए इसको ऐसे करते हैं। बी हो गया 300 into बी डी क्यू, डी कितना होगा इसका बोलिए, 8 mm का क्यूब अपॉन 12, याद आया, किसी भी प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का
अगर ये बी है तो, ठीक है। प्लस अब एक चीज और ध्यान देना होगा, ए इंटू वाई, क्या लिखेंगे, ए इंटू वाई स्क्वायर, और वाई कौन सा है, दोनों एक्सिस के बीच का दूरी, राइट। तो दोनों एक्सिस के बीच का दूरी वाई है, ये 154 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस एरिया हो गया 300 इंटू 8 इंटू 154 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर है आप लोगों को, बोलिए। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो आई एक्स एक्स जो हो गया हमारा 2 इंटू, इस चैनल का जरा बताइए कितना था, 3.6362.6 इंटू 10 to power कितना था, 4। यस सर, एम एम 4 में तभी ना आएगा, प्लस 2 इंटू, सोल्व करिए जरा ये सबको, 300 इंटू 8³/12 प्लस 300 इंटू 8 इंटू 154 का स्क्वायर, बताइए कितना आएगा सर, 1.273 इंटू 10 to power 8। बाकी लोग बताइए, वन पॉइंट टू सेवन तो बस इसी को करने से आ जाएगा जी, प्लस वाला कहाँ गया, ये कहाँ गया, टोटल आ रहा है 2411 2411 1414 यस सर, और 4400 2411144 उसके बाद 00mm4 ये आ रहा है। चलिए वेरी गुड, 2411144 00mm4 ये आया, क्लियर है बाकी लोगों को, बताइए सबका आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोशिश करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, आई वाई निकालें अब, बोलिए। यस सर, ठीक है, मिटा देते हैं, अब हम लोग आई वाई वाई निकालने की ओर चलते हैं। इंटायर सेक्शन अबाउट आई वाई वाई एक्सिस, अब इस केस में एक ट्रिक और लगाना होगा, ठीक। अब यहां पे जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, इसके अबाउट क्या आपको लगता है, ये तो प्लेट, तो प्लेट से ही पास, प्लेट का तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही होता है, इसके ही ग्रेविटी से पास करेगा, लेकिन यहाँ पे गैप बनेगा, क्लियर है। अब जो है इस एक्सिस के दोनों के बीच का एक्सिस जो है, सॉरी वाई वाई है, इन दोनों के बीच में गैप बन रहा है, और ये क्या दूरी है बताइए, सी वाई वाई देखा है ना, सी वाई वाई दिया हुआ है हम लोग को, तो सी वाई वाई प्लस ये जो डिस्टेंस है बीच का वो भी लेना पड़ेगा, सी वाई इतना ही होगा, सी वाई एक्चुअली, तो ये वाला दूरी भी लेना पड़ेगा आपको, सी वाई तो इससे मिलेगा, तो बाकी देख लीजिए कितना आएगा, सी वाई कितना दिया है, दोनों दूरी निकालना पड़ेगा आपको, 23.6 सी वाई दिया है, 23.6 ओके, तो दोनों निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो सी वाई वाई तो इतना ही दूर हुआ ना, ये कितना होगा, गैप देख लीजिए तो कितना है, 60 हो जाएगा, 120 लग रहा है बीच दोनों का, तो ये 60 हो जाएगा, है ना, 60 mm, और ये सी वाई वाई है, एंड दिस इज 23.6 mm, तो इन दोनों को ऐड करने से हमको x मिलेगा, ठीक है, जब आप करिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस करिएगा जब चैनल वाले में। चलिए वाई वाई के बात करते हैं, तो लिखेंगे यहां, लिखेंगे 2 इंटू आई वाई वाई ऑफ चैनल, ठीक है, प्लस ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, प्लस इसका जो पैरेललिटी थ्योरम के हिसाब से जो ax स्क्वायर जो लिखेंगे, वो x क्या होगा, वो x हो जाएगा आपको 60 प्लस 23.6, कितना आ जाएगा ये,
83.6 mm है ना, वो यहाँ पुट करना होगा, क्लियर है। प्लस 2 इंटू, अब 2 इंटू जब हम लोग वाई वाई निकालते हैं तो डी बी लिखते हैं, क्लियर है, डी बी क्यूब बाई 12 लिखेंगे। डी कितना है बोलिए, 8 300 का क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा बोलिए, 12। चलिए निकालिए, आई वाई वाई आपको निकला है 310.8 प्लस एरिया कितना था, सो एरिया था सर 4564 एमएम स्क्वायर, 83.6 का स्क्वायर, ठीक है, और बाकी प्लस में वही रह जाएगा ऊपर वाला। बताइए कितना है सर, ये आ रहा है सर 1060 226.9 mm का पावर 4, क्या सबका ये आया है? यस सर। गुड, तो ये आई एक्स एक्स आ गया, आई वाई आ गया। अब हम लोगों को निकालना सिर्फ क्या है, तो हम लोगों को निकालना है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। आर मिनिमम पे पहुंचने से पहले हम सीधा ये क्यों नहीं कर लेंगे कि आई एक्स एक्स और आई वाई में छोटा कोण है, यहां से निकाल सकते हैं क्या, ये भी कर सकते हैं ना। अब मान ली दो दो बार हम क्यों आर एक्स एक्स निकालने जाए, आर वाई वाई निकालने जाए, निकाल तो सकते हैं। तो आर एक्स एक्स जो फॉर्मूला है ये है, एंटायर एरिया लिखिएगा इसमें, आर वाई वाई का जो फॉर्मूला है आई वाई अपॉन ए, तो देख लीजिए शुरू में ही कि क्या ये छोटा है या ये छोटा है, क्योंकि बाकी सेम तो कॉन्स्टेंट है, तो कौन छोटा लग रहा है आई एक्स एक्स और आई वाई में, आई वाई वाई छोटा लग रहा है, ये बड़ा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होगा आर होगा, वो क्या होगा, आर वाई वाई होगा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ये चीज, बोलिए। चलिए तो जरा निकालिए, अब आर वाई वाई खाली निकालिए, बाकी काम खत्म। R Y Y आया सर 152.40, ठीक है 1060 लिखा होगा, 226.9 लिखा होगा, अपॉन एरिया कितना लिखा है बोलिए, 4564। अरे वो एरिया लिखेगा, एरिया 1392 सर आ रहा है, 87.24 आ रहा है सर, हाँ 87.24 mm, यस सर आएगा, यस सर ये आएगा, ठीक है। आपको यहाँ एरिया में एजी कर दीजिए, आप लोग गड़बड़ाइए नहीं, एजी कर लीजिए, चलिए पूरे का एरिया ग्रॉस एंटायर सेक्शन का, तो ये आर वाई वाई हमारा निकल के आ गया, और यही हमारा आर है, और जैसे ये मिल गया हम लोग लेमडा आप निकाल सकते हैं, लेमडा हो जाएगा एल अपॉन आर, और आपको पता है कि एल कितना था, तो एल था के इंटू एल अपॉन आर, और एल के कितना था यहाँ पे 0.8 वाला था, ठीक है, 6 × 10³, और R हमारा 87.24 कितना आ गया, 55.02 है ना। चलिए जैसे ही ये आ गया है, अब हमको FY assume कर लेना होगा, नहीं दिया है तो 250 ले लीजिए और सिग्मा ऐसे जरा निकालिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो एफ वाई हम ले लेते हैं, जूम कर लेते हैं 250, नहीं दिया है तो माल का बना हुआ है। चलिए कितना आएगा सिग्मा एसी, ये आपको 50 से 60 के बीच में लाई करेगा, सिग्मा एसी कितना होगा बताइए, 43 सर, 43 होगा, सॉरी सॉरी लेमडा 50 है और 60 है,
50 पे कितना आ रहा है सिग्मा एस? ये आ रहा सर 126.98 एन न्यूटन पर मीटर। सर 106.97 आ रहा। ओके मतलब 50 पे जो है आपको 132। अच्छा 132 और इस पे 122। 122 Yes, तो बाकी बीच में आपने इंटरपोलेशन करके निकाला होगा और ये निकला है 126 पॉइंट कितना 96.98 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और सर 127 सर ले सकते हैं ना इसको? हाँ ले सकते हैं, एवरेज करके भी सर आ जाएगा क्योंकि 55 है सर। ओ हाँ ये भी है, एवरेज करके भी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसका सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस बिल्टअप सेक्शन, बिल्टअप कॉलम, ठीक है, हो जाएगा आपको जो क्रॉस एरिया है ए जी वो पुट करना है इनटू सिग्मा एस की। कितना है ये? 13928 इनटू 126.98 कितना आया? सो 176.86 किलोन्यूटन। मतलब न्यूटन में कितना आया? 0.44 न्यूटन। 0.44 न्यूटन। और तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये 8.6 है ना। क्लियर है? 3 अंक के बाद 0। तो समझिए ये 1768 किलो न्यूटन लोड जो है सेफली कैरी कर सकता है। सो दिस इज द बिल्टअप सेक्शन। बिल्टअप सेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? जब भी हमारा लोड बहुत ज्यादा रहता है तो रोल्ड स्टील सेक्शन जो है उसको कैरी नहीं कर पाता है, दैट्स व्हाई वी यूज बिल्टअप सेक्शन। और बिल्टअप सेक्शन यूज करते हैं जिसमें कि हम लोग प्लेट्स को ऐड कर सकते हैं, दो चैनल को ऐड कर दिया, दो आई सेक्शन को ऐड कर दिया, है ना, एंगल सेक्शन को ऐड कर दिए, तो इस तरह के काम हम लोग करते हैं। तो दिस इज द बिल्टअप सेक्शन। और इसमें आप लोगों का अगर क्वेश्चन आता है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए, आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। राइट, क्लियर है? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक इन दिस यूनिट, ठीक है, जो कि है आपको इंट्रोडक्शन टू लेसिंग एंड बैटनिंग। लेसिंग एंड बैटनिंग, बैटन्स भी इसको बोलते हैं कभी कभी। सो ये चीज क्या है, ठीक है, ये टर्म क्या है? तो आप समझिए जो लेसिंग और बैटनिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है आपको? सिंपली हम लोग जो बिल्टअप सेक्शन तैयार करते हैं उसको होल्ड करने के लिए उसमें जो छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हैं, फ्लैट बोलते हैं, FLAT फ्लैट, छोटा छोटा प्लेट्स हो गया लेस, उसको लेसिंग बोलते हैं उसी को। क्योंकि उससे क्या करते हैं, हम लोग ज्वाइन करते हैं दो प्लेट को। अगर मान लीजिए दो बिल्टअप सेक्शन हमने लिया, जैसे अभी आपने देखा कि एक क्वेश्चन था जिसमें चैनल सेक्शन ऐसे था, लेकिन इसको ऐड करने के लिए समझिए थ्रू आउट जो इसका लेंथ होगा, इसको ऐड करने के लिए कितना ज़्यादा उसमें प्लेट लगा होगा? क्या एक ही जगह प्लेट लगा था? नहीं, ये तो आपने डिजाइन किया एक जगह, हो सकता है जगह जगह पे ऐसे प्लेट लगे होंगे। जितना इसका लेंथ होगा, 6 मीटर का लेंथ था ना, 6 मीटर में कितने प्लेट्स लगे होंगे? हो सकता है कि इसमें कुछ इस तरह का आपने देखा होगा, कहीं देखा है। तो ये क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज दो मेंबर को ऐड करना है, जब बिल्टअप कर रहे हैं ऐड करने के लिए बीच बीच में जो ये जब प्लेट्स जो यूज कर रहे हैं, ये जो प्लेट्स यूज कर रहे हैं, यही सब तो लेसिंग और बैटनिंग्स का टाइप है, यही तो लेसिंग और बैटनिंग है। इसी से हम लोग कॉलम्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक जगह पोजिशन में उसको कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम लोग जो प्लेट्स यूज करते हैं टू कनेक्ट टू सेक्शन, रोल सेक्शन को लिया हमने, उसको कनेक्ट करने के लिए हमने जो प्लेट्स यूज कर रहे हैं, और प्लेट्स में जो कुछ भी हो सकता है, लेसिंग बैटनिंग जो होगा किसी फॉर्म में हो सकता है, मतलब वो सिंपल प्लेट हो सकता है, छोटा थिकनेस का, छोटा सा विड्थ का फ्लैट हो सकता है,
एंगल सेक्शन हो सकता है, एंगल सेक्शन भी एज अ लेसिंग और बैटनिंग की तरह यूज किया जा सकता है ना। लेसिंग में तो खासकर एंगल सेक्शन यूज किया ही जाता है, और एंगल के अलावा चैनल भी हो सकता है ना। बहुत सारे के साइज के हमारे पास सभी सेक्शन मौजूद है ना, तो कोई भी यूज कर सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं बाय डेफिनेशन और बाकी चीजों के हिसाब से देखते हैं क्या है ये। प्लस आपको मैं बता दूं, इसका जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। एक डेफिनेशन आ सकता है, दो नंबर, चार नंबर, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन जो यहाँ लिखी है देखेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्टअप कॉलम। बिल्टअप कॉलम आप समझते होंगे, ठीक है। बिल्टअप कॉलम कैन बी कनेक्टेड बाय लेसिंग एंड बैटनिंग। जो बिल्टअप सेक्शन के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मतलब मान लीजिए हमें इसे चार एंगल लिया है, और इस चारों एंगल को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थ्रू आउट लेंथ में, थ्रू आउट जो लेंथ होगा सब में हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, है ना, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यही करेक्ट करने के लिए हमें जो चीज यूज कर रहे हैं, जो मेथड यूज कर रहे हैं, समझ, जो प्रोसेस है उसको लेसिंग और बैटनिंग बोल सकते हैं। और जो लेसिंग और बैटन बोलेंगे वो क्या, प्लेट्स, जिसको हम लोग ऐड करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो लेसिंग एंड बैटनिंग उसको बोलेंगे। एंड अकॉर्डिंगली सच कॉलम्स आर कॉल्ड लेस्ड कॉलम्स और बैटन कॉलम। मतलब जिसमें लेसिंग यूज किया होगा उसको बोलेंगे लेस्ड कॉलम, जिसमें बैटनिंग यूज हुआ उसको बोलेंगे बैटन्ड कॉलम। ये बस नाम से बोलेंगे, ये बिल्टअप कॉलम के ही टाइप्स हो गए, समझिए। तो बिल्टअप कॉलम में ही अगर लेसिंग किया हुआ है, लेसिंग के थ्रू उसको कनेक्ट किया हुआ है उसको बोलेंगे लेस्ड कॉलम, और बैटन्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है उसको बोलेंगे बैटन्ड कॉलम, ठीक है। मेन है इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए, द फंक्शन ऑफ लेसिंग एंड बैटनिंग इज टू होल्ड द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए कॉलम स्ट्रेट, पैरेलल, एट अ करेक्ट डिस्टेंस अपार्ट, एंड टू इक्वलाइज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इट्स वेरियस पार्ट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है फंक्शन, इसका रूप, इसका कार्य क्या है, क्यों हम कर रहे हैं लेसिंग और बैटनिंग की जरूरत, क्यों जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहला बात यह है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने कॉलम्स के पार्ट्स होंगे, क्योंकि बिल्टअप कॉलम में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स, बहुत सारे हम लोग सेक्शन को ऐड करके बना रहे हैं, वो रोल सेक्शन की तरह नहीं है कि एक सेक्शन फैक्ट्री से बनकर आया, हमने तैयार कर लिया, हमने उसका यूज कर लिया। लेकिन बिल्टअप सेक्शन में बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको ऐड करने हैं, जिसमें कि आपको बैटन्स भी आ रहे हैं, लेसिंग भी आ रहे हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए जब कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, जो आपका कॉलम है उसको होल्ड करेगा, एक अच्छे सीधा स्ट्रेट पोजिशन हमको चाहिए ताकि कंसेंट्रिक लोडिंग हो, उसको स्ट्रेट होल्ड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको जो पोजीशनिंग किया हुआ, जितना पैरेलल माने जो स्पेसिंग आपने दिया है, जैसे दो चैनल अभी देखा आपने, स्पेसिंग दिया हुआ था बीच का, तो इस स्पेसिंग पे आपको थ्रू आउट कॉलम को रखना है, बॉटम से लेके टॉप तक, तो उस स्ट्रेट, उसको डिस्टेंस जो स्पेसिंग है वो गड़बड़ाए नहीं। इसके लिए भी हेल्प करेगा हमारा, ये भी एक फंक्शन हो गया लेसिंग और बैटनिंग का। इसके अलावा टू इक्वलाइज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस मान लीजिए दो प्लेट आप यूज कर रहे हैं, तो जितना स्ट्रेस इसमें आ रहा है उतना स्ट्रेस इसमें भी जाए, ठीक है। और ये कैसे ट्रांसफर होगा, तो विद द हेल्प ऑफ लेसिंग और बैटनिंग, जो करेंगे आप, जो प्लेट्स लगाएंगे साइड साइड में, उसके हेल्प से ये पास करेगा आपका, समझे, उसके हेल्प से ये पास करेगा एक दूसरे में। इधर से लोड आया, सारा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन इसमें रहेगा। इस तरह से हम लोग इसको ओरिएंटेशन भी देते हैं, इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट भी करते हैं सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखते हुए, ठीक है, ये चीजें हैं। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्वलाइज हो जाए, हमारा कॉलम स्ट्रेट रह जाए, हमारा कॉलम का स्पेसिंग का भी पूरा मतलब सही रहे, कहीं गड़बड़ाए नहीं, करेक्ट रहे, तो इन चीजों के लिए हम लोगों का जो लेसिंग और बैटनिंग है इसका यूज हो रहा है। क्लियर है ये बातें, एक आइडिया बना, यस, ठीक है। तो लेसिंग और बैटनिंग अगर हमारे एक दो नंबर पूछता है तो उसको आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। इसका कोई डिजाइन हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, डिजाइन भी होता है IS जो 800 कोड है उसमें जाके डिजाइन भी देखेंगे तो है, बट डिजाइन पढ़ना नहीं है, उस पर न्यूमेरिकल भी आपको नहीं पूछा जाएगा, जो कि क्लियरली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पूछ देगा, एक डेफिनेशन की लेस्ड कॉलम क्या है, बैटन कॉलम क्या है, फिगर बना दीजिए आप, मैं अभी फिगर दिखाऊंगा, फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, और फिगर जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको फिगर बना दिया लोग समझ जाएंगे हाँ ये लेस्ड कॉलम। चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो अभी आते हैं, हाँ ये देखिए क्या है, बिल्टअप सेक्शन। तो दिस इज द बिल्टअप सेक्शन का कुछ एग्जांपल यहाँ दिख रहा होगा आपको,
तो ये तो हम लोगों ने बहुत पहले भी फर्स्ट क्लास में ही देखा होगा, फर्स्ट यूनिट में ही देखा होगा, बिल्ट अप बॉक्स सेक्शन। मतलब इसमें क्या है, दो चैनल लगा हुआ है और यहाँ प्लेट लगा दिया, यहाँ प्लेट लगा दिया, तो इसको बोला बिल्ट अप बॉक्स सेक्शन। बहुत तरह के हो सकते हैं, अभी हमने इस पर डिजाइन किया बिल्ट अप बॉक्स सेक्शन, और जिसमें दो चैनल लगा हुआ है और इस तरह का था, जिसको हमने अभी बिल्ट अप सेक्शन में स्विफ्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाला। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जब बिल्ट अप सेक्शन में सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना होगा, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालना आना चाहिए, ठीक है। इस तरह के कॉलम को आपको प्रिपेयर कर लेना है, बुक में और क्वेश्चन जाकर देखेंगे वहां से आप लोग कर लेंगे। तो ये बिल्ट अप सेक्शन है, इस तरह के बिल्ट अप सेक्शन है। तो इस तरह के बिल्ट अप सेक्शन का हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं इसको, हम इसका साइड व्यू नहीं देख रहे हैं। अगर साइड व्यू देखेंगे तो कैसा साइड व्यू लगेगा बताइए आपको, सिर्फ ऐसे दिखेगा, एक चैनल ऐसा दिख रहा है और एक इसके बगल में, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। तो एक प्लेट मान लीजिए आपने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, एक प्लेट यहाँ हम लोग वेल्डिंग कर दे, रिवेटिंग कर दे, बोल्टिंग कर दे, एक फिर आगे जाए कहीं लगाना पड़ेगा, एक फिर आगे जाए कहीं लगाना पड़ेगा, जो इसका लंबाई होगा कॉलम का उसके हिसाब से। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यही तो बैटनिंग है, यही बैटनिंग बोलेंगे इसको। अगर मान लीजिए इसी में हमको अगर कनेक्ट करने के लिए जो फैशन, अगर हम इस तरह का यूज कर लें कि इस तरह का छोटा छोटा प्लेट यूज करें, ठीक है, इस तरह का, यही तो लेसिंग है, दिस इज कॉल्ड लेसिंग। ये लेसिंग हो गया, इसको लेस्ट कॉलम बोलेंगे, ये बैटनिंग हो गया, समझे। तो ये जो प्लेट यूज कर रहे हैं इसको देखिए, छोटा थिकनेस का रहता है, छोटा विड्थ का रहता है, इसको फ्लैट बोलते हैं, एमएस फ्लैट, मतलब माइक्रोस का फ्लैट वगैरह बोलते हैं वो चीज है। इसमें देखेंगे थोड़ा वाइड इसका विड्थ है, इसको प्लेट बोलते हैं, है ना, इसका थिकनेस कम रहता है और इसको यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग एंगल्स का भी यूज कर सकते हैं, एंगल सेक्शन, ये वाला सेक्शन, छोटा छोटा एंगल सेक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर रेलवेज वगैरह में देखे होंगे, वहाँ पे जो पुल्स वगैरह होते हैं, या जब भी ट्रेन से जाते होंगे देखते होंगे, जो ब्रिज वगैरह होगा या जो भी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पोल है वो देखिएगा, तो सब में इस तरह का लेस्ट कॉलम मिलेगा, बैटन कॉलम मिलेगा आपको। किसी ने देखा ये चीज बताइए। यस सर देखिए, है ना, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो इस पे ज्यादा ध्यान, मतलब मजा आता देखने में, मतलब देखते रहते, अरे वाह यही वो एग्जाम्पल है, समझ गए, मतलब क्लियरली। अभी पिक्चर आप नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, चलिए पिक्चर ढूंढ के हम दिखा रहे हैं, आप मोबाइल में सर्च मारिएगा दिख जाएगा, स्टील कॉलम ऐसे खड़ा है, उसमें लेसिंग लगा हुआ है, बैटन लगा हुआ है, तो एक क्लियर पिक्चर आपको अब वहाँ से अगर मैं देखिएगा, ध्यान लगाइए तो पता चलेगा उस तरह का चीज वहाँ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको और क्लियरली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको करेंगे। तो दिस इज द बिल्टअप सेक्शन, और बिल्टअप सेक्शन में जहाँ पे दो मेंबर आएंगे, दो सेक्शन आएगा, ऐड करना है हमको, लेसिंग करना पड़ेगा या बैटनिंग, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, काफी क्लियर पिक्चर आपको दिख रहा होगा लेसिंग एंड बैटनिंग के बारे में। सो दिस इज द लेसिंग एंड बैटनिंग, जिसमें कि दो सेक्शन है, यहाँ पे चैनल सेक्शन हो सकते हैं, आई सेक्शन हो सकते हैं, कोई भी सेक्शन हो सकता है, दो सेक्शन यहाँ दिख रहा होगा, दोनों को ऐड करना है और एक स्पेसिंग बीच में दिख रखी होगी। देखिए ये स्पेसिंग है, दिस इज स्पेसिंग, बीच का स्पेसिंग है। उसके बाद दोनों प्लेट में देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो फैशन दोनों देख रहे हैं ये लेसिंग का है और ये है बैटन्स का। लेसिंग के केस में क्या करते हैं कि हम लोग फ्लैट का यूज करते हैं, एक फ्लैट ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया, मतलब कुछ एंगल पे हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, मतलब 42, 65, 70 के बीच का हम लोग एंगल लेते हैं। इसका डिजाइन भी वो सब पड़िएगा, वो तो है नहीं अभी, तो ये एंगल पे हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि दोनों को कनेक्ट करके होल्ड करके स्ट्रेट हमारे कॉलम को खड़ा रखे, प्लस जो स्पेसिंग है वो भी हमारा करेक्ट हो, ठीक है, प्लस जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियर हो, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्लस इसमें भी लोड आता है, ये भी ध्यान रखिए आप, जो भी यहाँ पे लेसिंग लगा रहे हैं ये भी लोड कैरी करता है ना। तो जब बिल्ट अप सेक्शन का डिजाइन वगैरह होगा, जब जहाँ पे लेसिंग और बैटनिंग का भी हम लोग कंसिडर करते हैं, तो वो आपको नहीं अभी पढ़ना है, ठीक। तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए ये हो गया सिंगल लेसिंग, क्योंकि सिंगल सिंगल हम लोग फ्लैट यूज कर रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से, इस तरह का जहां भी कॉलम देखेंगे आप समझिए सिंगल लेसिंग का सिस्टम है। अगर इसी को दो प्लेट, देखिए एक यहाँ लगाया एक यहाँ लगाया, और
क्रॉस करके एक यहाँ लगाए, इस तरह से। अगर इस तरह का फैशन दिख रहा है, ये डबल लेसिंग सिस्टम है, डबल लेसिंग, डबल लेस्ड कॉलम बोल सकते हैं आप इसको, डबल लेस्ड कॉलम। इसमें क्या है, कनेक्शन यहाँ भी किया हुआ है, कनेक्शन यहाँ भी किया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे दो जगह कनेक्शन किया है बस, देख रहे हैं इस तरह से। तो ये फैशन हो सकता है। उसके अलावा बैटन्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि हम लोग प्लेट्स का यूज करते हैं, नॉर्मली इस तरह का प्लेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ यूज किया, एक यहाँ यूज किया, इस तरह से हम लोग करते जाते हैं। एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है कि सबके लास्ट में जब हम लोग एंड पे पहुंचेंगे तो एंड टाइप प्लेट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टाइप प्लेट, एंड टाइप प्लेट। ये कहाँ यूज करेंगे, जहाँ कॉलम का अंत हो गया, टॉप हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक टाइप प्लेट यूज कर लेते हैं, भले वो किसी भी तरह का सिस्टम आप लेसिंग बोलिए, बैटनिंग बोलिए, लास्ट में एक टाइप प्लेट यूज करना होता है। इसमें भी लास्ट में जाके हम लोग एक टाइप प्लेट यूज करेंगे, ठीक है, ऊपर में नीचे में, ठीक है, ये चीज रहता है, एक प्रोविजन इसका भी दिया रहता है। तो क्लियर है ये सब चीजें, बताइए समझ में आ रहा है? Yes, sir. आप लोग फिगर जरूर, फिगर को जरूर आप लोग ध्यान रखना है कि इस तरह का फिगर आप एकदम याद रखिए, जहां भी लेसिंग बैठने पूछे फिगर जरूर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे आपको ऐसे ही दो नंबर मिल गया, ठीक है। तो जो भी लोड होगा ऊपर से, जब लोड आएगा कॉलम पे, ये लोड पूरा डिस्ट्रीब्यूट होके पास करेगा सब में, इसमें भी स्ट्रेस आता है, इसमें भी सब डिस्ट्रीब्यूट होगा, फ्लैट में भी, लेसिंग में भी, बैटन्स में भी, सब डिस्ट्रीब्यूट होके नीचे जाएगा, नीचे अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर से नीचे। तो ये बिल्टअप सेक्शन के केस में ही यूज होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, बिल्टअप सेक्शन जहाँ होगा वहाँ पे लेसिंग और बैटिंग आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। प्लस अगर हम कनेक्शन की बात करें कि इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो कनेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक तो रिवेट है, रिवेट का यूज कर लीजिए, उसके बाद क्या कर सकते हैं, वेल्ड का यूज कर सकते हैं, उसके बाद बोल्ट का यूज कर सकते हैं, बोल्ट, यही कनेक्शन तीन है, इसी तरह का कुछ यूज कर सकते हैं। रिवेटेड आपको बहुत जगह दिखेगा, बहुत जगह वेल्डिंग दिखेगा, है ना, बोल्टिंग भी दिख सकता है। तो ये सब काम हम लोग यहाँ करते हैं, यही लेसिंग और बैटनिंग हो गया। चलिए इसके बारे में और देखते हैं आगे। लेसिंग की अगर बात करें तो देखिए लेसिंग क्या क्या हो सकता है। लेसिंग कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम बाय अ सिस्टम ऑफ जनरली फ्लैट प्लेट, फ्लैट हो गया, ठीक है, जो छोटा थिकनेस का होता है, प्लस उसका जो ये विड्थ है वो भी कम रहता है, जो यहाँ लिखा हुआ है लेसिंग प्लेट में भी 50-75 mm वाइड, ये 50-75 mm वाइड है, ठीक है। थिकनेस की अगर हम बात करें तो 8-10 mm का थिकनेस। इन सम केसेस एंगल्स एंड चैनल्स आर आल्सो यूज्ड एज लेसिंग्स, और लेसिंग्स की तरह हम लोग एंगल को भी यूज कर सकते हैं, एंगल सेक्शन का भी यूज हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसको अगर देखेंगे इस तरह से हम कुछ दिखेगा, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम के में हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, चैनल का भी यूज कर सकते हैं, मतलब चैनल इस तरह का हमको अगर साइड भी देखें इस तरह दिखेगा, एक कनेक्ट कर दे, क्योंकि बहुत तरह के शेप साइज के आते हैं, छोटा छोटा थिकनेस का हम लोग यूज कर सकते हैं, छोटे विड्थ का हम लोग एज अ लेसिंग यूज कर सकते हैं, चैनल को भी, एंगल को भी, प्लेट को भी, ठीक है, क्लियर है, ये चीजें हैं। उसके अलावा देखिए इसका फैशन बहुत तरीके से हो सकता है, यहाँ पे आपको और दिख रहा होगा अलग अलग टाइप्स के लेसिंग और बैटन्स के चीज़ें। तो यहाँ देखिए पहला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, दो चैनल सेक्शन है उसको ऐड किया गया है, यहाँ पे लेसिंग देखिए, लेसिंग जो है इस फेस पे दिख रहा होगा और सेकेंड फेस पे दिख रहा होगा, मतलब सिमेट्रिकली आपको अरेंजमेंट करना है, जितना एक पार्ट में, जैसे जितना इस साइड में दे रहे हैं उतना ही इस साइड में भी देना है, सिमेट्रिकली आपको पोजिशन करना है। ये इसका डिजाइन का जो है डिजाइन प्रोसीजर जब जाते तो उसमें पढ़ते, तो प्रेफर ये करना है कि जो लेसिंग का अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिमेट्रिक होना चाहिए जब भी हम लोग लेसिंग और बैटरिंग की बात करेंगे, जितना बैटन इधर प्रोवाइड करें वैसे उधर प्रोवाइड करें, तब जाके हमारा इक्वल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हमारा कॉलम स्ट्रेट रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए अगर डबल लेसिंग की बात करें तो इस तरह से आपको फेस ए फेस बी दिख रहा है, फेस ए मतलब इधर वाला फेस, एक फेस और उसके जैसा अपोजिट, देख रहे हैं कैसे सिमेट्रिकली है, जैसे इसमें है वैसे इसमें है। उसके बाद डबल लेस्ड एंड सिंगल लेस्ड सिस्टम कॉम्बाइन विद क्रॉस मेंबर, क्रॉस मेंबर मतलब जो क्रॉस मेंबर देख रहे हैं बीच बीच में क्रॉस मेंबर यूज किया हुआ है, तो इस ये भी फैशन कभी कभी
यूज होता है बीच बीच में, ये भी आपको लेसिंग और बैटनिंग का ही एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें कॉम्बाइंड सिस्टम है, लेसिंग भी यूज कर रहे हैं और बैटन्स भी यूज करें समझिए एक तरह से, जो क्रॉस मेंबर वो बैटन्स की तरह है, प्लेट्स है। तो इस तरह का फैशन हम लोग यूज कर सकते हैं लेसिंग और बैटनिंग में बिल्ट अप सेक्शन के। ठीक है, क्लियर है चीजें? यस सर, यस सर। ओके, अब हम लोग एंड टाइपलेट की मैंने जो बात बताई आपको कि जो भी लेस्ट कॉम्प्रेशन मेंबर है, लेस्ट कॉलम्स है, शैल बी प्रोवाइडेड विथ टाइपलेट्स एट एंड, एट द एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम्स एंड एट इंटरसेक्शंस विथ अदर मेंबर्स, ठीक है, एंड एट अ पॉइंट वेयर द लेसिंग सिस्टम आर इंटरप्टेड। मतलब कुछ कुछ ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे लेसिंग सिस्टम इंटरप्ट हो जाए, मतलब वहाँ पे ब्रेक हो जाए, वहाँ पे हम लोग प्लेट यूज कर लेंगे, एक एंड टाइप प्लेट यूज कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बात कर रहा है, और लास्ट में तो हमको यूज करना ही है एंड टाइप प्लेट, लास्ट में हमको यूज करना ही है, वो दोनों केसेस में हो, लेसिंग में हो या बैटन्स में हो, दोनों में हम लोग टाइप प्लेट्स को यूज करते हैं, ठीक है, लास्ट में। चलिए बैटनिंग की बात करें तो बैटन्स उसको बोलेंगे, जो भी प्लेट्स यूज करेंगे एंगल यूज करेंगे उसको बैटन्स बोलेंगे। तो बैटन्स शैल बी प्लेट्स, एंगल्स, चैनल्स और आई सेक्शन, कोई भी इस तरह के सेक्शन बैटन्स हो सकते हैं, समझ गए, एंगल भी हो सकता है, चैनल भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, राइट, प्लेट भी हो सकता है, सिंपल सा प्लेट हो सकता है। एंड एट देयर एंड्स शैल बी रिवेटेड, बोल्टेड और वेल्डेड टू द मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट कौन कौन हुआ, जिसको हमको ऐड करना है, जो हमारा मेन कॉलम का कंपोनेंट है उसमें हम इसको ऐड करेंगे, तो इसको हम लोग रिवेटिंग से कर सकते हैं, बोल्टिंग से कर सकते हैं या वेल्डिंग से कर सकते हैं, तीन तरह की। उसके बाद द बैटन शुड बी प्लेस्ड अपोजिट टू ईच एंड ऑफ द मेंबर एंड एट पॉइंट्स वेयर द मेंबर इज स्टेट इन इट्स लेंथ एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी स्पेस्ड एंड प्रोपोर्शन इन फॉर्म थ्री ऑल। इसका सिंपल सा मीनिंग है इस लाइन का कि जब भी हम लोग बैटनिंग करेंगे सिमेट्रिकली करेंगे, जितना इधर प्रोवाइड करेंगे उतना उधर प्रोवाइड करेंगे, दोनों फेस पे हमको सेम दिखना चाहिए, प्लस इस तरह से करना है कि जो उसका स्पेसिंग है थ्रू आउट टॉप टू बॉटम, जो कॉलम का स्पेसिंग है वो करेक्ट हो, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो, ताकि हमारा जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कॉलम, थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म रहे, ठीक है, ये हम लोगों को कोशिश करना है। उसके बाद द नंबर ऑफ बैटन्स शैल बी सच डेट द मेंबर इज डिवाइडेड इनटू नॉट लेस देन थ्री बेस विद इन इट्स एक्चुअल लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ इन कनेक्शन। मतलब कोई कॉलम है उसमें अगर बात करें, जब भी बैटन्स लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम दो बैटन लगा के छोड़ दिए, ठीक है, दो बैटन लगा दिए, एक ऊपर एक नीचे छोड़ दिए, ऐसा नहीं, ऐसे करना है कि तीन बे बने, मतलब एक एक बे ये हो गया, इस तरह से तीन बनना चाहिए, तीन को आपको बनना चाहिए कम से कम, मतलब आप समझिए कि एक दो और तीन, मतलब चार आपको यूज करना है, दो को बैटन बीच में यूज करना है और एंड टाइप प्लेट दो को यूज करना पड़ेगा, इतना तो आपको मिनिमम करना पड़ेगा कोई भी कॉलम में, छोटा छोटा हो या बड़ा लंबा सा, अगर लेंथ ज़्यादा होगा तब तो आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा नंबर, उसमें तो डिजाइन में आता है तो कम नहीं होगा, लेकिन मिनिमम आपको जो है चार दो टाइप प्लेट्स इंक्लूडिंग बैटन्स यूज करना पड़ेगा, ताकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा ना हो जाए, स्पेसिंग हो जाएगा तो फिर आपको वही जो फेनोमेना मैंने पहले बताया था बकलिंग का, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगा, बकलिंग, क्रशिंग, ठीक है, वो सब चीज़। चलिए ये हो गया बैटनिंग। तो बैटनिंग की जब भी बात कर रहे हैं तो ये बैटन जब भी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का स्पेसिंग जो है बनेगा, ठीक है, ये ही सी जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, स्पेसिंग है बैटन के बीच का, तो यही रहेगा फॉर्मेट। और लास्ट में जो है एंड लास्ट में कॉलम के लास्ट में हम लोग यहाँ पे टाइप प्लेट यहाँ भी यूज करेंगे और यहाँ भी यूज करेंगे, और बीच बीच में तो आपको जहाँ जहाँ बैटन्स लगाने हैं लगाइए, ठीक है, इस तरह से सी हो गया, एक सी यहाँ हो गया, एक सी हो गया, इस तरह से। तो ये बैटन करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, रिवेट लगा सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं या बोल्टिंग कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कॉलम में करेंगे। तो ये फैशन जो है बैटनिंग कहलाता है, और ये प्लेट को हम लोग बोलते हैं बैटन, उसको बैटन्स बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है ये चीजें, बताइए। यस सर, यस सर, दो चार नंबर का है, लिख लेंगे आप लोग क्या?
ठीक है, यहाँ पे भी एन टाइप प्लेट एक बार और कह देते हैं क्या है। टाइप प्लेट्स आर द मेंबर्स प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ ए बैटनड एंड लिस्ट मेंबर्स, जैसे मैंने बताया कि लास्ट में टॉप या बॉटम, एंड सेल बी डिजाइंड बाय द सेम मेथड एज बैटन्स। और जैसे बैटन्स को करते हो कि प्लेट जो है जनरली ये क्या है, टाइप प्लेट जो है बैटन्स की तरह ही है, प्लेट को जो हम लोग बैटन की तरह यूज करते हैं उसी तरह का है, इसलिए इसको बैटन्स की तरह ही डिजाइन करते हैं। इन नो केस सेल अ टाइप प्लेट एंड इट्स फास्टनिंग बी इनकैपेबल ऑफ कैरिंग द फोर्सेस फॉर विच द लेसिंग और बैटन्स हैज बीन डिजाइन। टाइप प्लेट्स भी उसी तरह से डिजाइन करना है, उसी स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करना है जिसके लिए आप बैटन्स और लेसिंग का डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि उतने लोड के लिए इसको भी डिजाइन करना है, उसी तरह का थिकनेस उसी तरह का साइज यूज करना है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो पार्ट है आपको समझना ये था कि लेसिंग और बैटनिंग क्या चीज है, ये क्या करता है, क्या फंक्शन है इसका, कॉलम्स में कंप्रेशन मेंबर में इसका क्या रोल है। ठीक है, बिल्टअप सेक्शन के केस में केस की ही बात कर रहे हैं क्योंकि रोल सेक्शन में ये चीज तो नहीं आती है। रोल सेक्शन में एक रोल सेक्शन है जो फैक्ट्री मेड है और सिंपल हम उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन बिल्टअप सेक्शन जहां भी बनाएंगे वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी कि उसको कनेक्ट करना है, उसको होल्ड करना है, उसको एक सही पोजीशन में रखना है। ठीक, उसको सही स्पेसिंग देना है, प्लस जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको इक्वली करना है सभी पार्ट्स में जो भी आपको बिल्टअप सेक्शन में है। तो इसीलिए वहां पे लेसिंग और बैटनिंग हम लोग करते हैं जो कि जिसका कि एक अपना ही अलग इम्पोर्टेंस है, राइट, उसका भी एक डिजाइन है लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यही है और आप लोग क्या करेंगे, जब भी पूछा जाएगा तो बस डेफिनेशन लिखिए, फिगर जरूर बनाइए और आपको नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर है, बाकी समझ में आ गया? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे और बाकी जो बुक के रेफरेंसेस हैं आप तो देख रहे हैं कि उपाध्याय का न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है आप लोगों के लिए। तो चलिए ठीक है, इस सेशन को इतना ही रखते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद न्यू यूनिट मिलेंगे।